प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित हैं, प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं, आज प्रदेश में अराजकता का माहौल है, और इन सब चीजों के लिए प्रदेश में सुक्खू जी की दुख की सरकार जिम्मेवार है। 11 दिसंबर 2022 को प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और मात्र उसके बनते ही मात्र 6 महीने के बाद प्रदेश को शर्मसार करने वाली चंबा में मनोहर हत्याकांड जैसी एक घटना घटित हुई, जिसमें प्रदेश की सरकार द्वारा उस परिवार को किसी भी तरह की कोई सहायता मुहैया नहीं करवाई गई, बल्कि भाजपा सरकार द्वारा, भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व में रहे मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में जब भाजपा के कार्यकर्ता मनोहर के परिवार से मिलने उनके घर जाने लगे, तो उस समय भी उनको सलूनी के पास प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था है उनके द्वारा रोका गया और उनको उस परिवार से मिलने नहीं जाने दिया गया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने इसके खिलाफ, इस कुकृत्य के खिलाफ आवाज उठाई और मनोहर को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एकजुट होकर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया। मैं बात करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र भोरंज की, जहां पर एक महिला पर इतना गलत व्यवहार किया गया। वहां पर महिला के बाल काटे गए, महिला का मुंह काला करके उसको पूरे गांव और पंचायत में घुमाया गया, और वो जो एरिया है वो माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का एरिया था। उस समय भी जो सरकार थी वो सोई हुई थी, जो इनका प्रशासन था वो सोया हुआ था, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो सोया हुआ था। जी के साथ मंदिर के प्रहरी के द्वारा कुकृत्य किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। उस समय भी हमारी कानून व्यवस्था सोई हुई थी। शिमला के मॉल रोड पर पुलिस कंट्रोल रूम के सामने, और वो मॉल रोड जहां पर जो कैमरे से लैस है, वहां पर भी एक दुकान में काम करने वाले युवा बच्चे के साथ उसको, उसके साथ जो लोग हैं वो अभद्र व्यवहार करते हैं और उसे मार देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो तब होती है कि बिल्कुल पुलिस कंट्रोल रूम के सामने ये घटना घटित होती है और पुलिस प्रशासन कहां सोया होता है, और उसमें उस बच्चे की किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की जाती और बच्चा जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत ही शर्मसार घटनाएं जो हैं वो हमारे देवभूमि हिमाचल में घटित हुई हैं। अभी की बात है कि किन्नौर में किस तरह से एक व्यक्ति जो है महिलाओं पर बंदूक तानकर उन पर गोली चलाने का जो है वो प्रयास करता है, वहां पर भी पुलिस के द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। सुलह विधानसभा क्षेत्र के गदियाड़ में 50 वर्षीय महिला का मर्डर कर दिया जाता है और उसको जो है वो मुर्गों के पंखों के नीचे उसकी लाश दबा दी जाती है, और उसका पता तब चलता है जब खून के धब्बे जो हैं वो गांव के लोग, उसके परिवार के लोग आसपास देखते हैं। लेकिन जब अभी भी अगर आप एसपी का बयान सुनेंगे या वहां की पुलिस का बयान सुनेंगे तो आप पाएंगे कि उस महिला के लिए, उस महिला को न्याय दिलाने के लिए अभी तक जिन लोगों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसी तरह से हमारा जो जोगिंद्रनगर मंडी, हमारा जो हाईवे है, उसमें 50 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उसको मार दिया जाता है। लेकिन इस मामले में भी प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार का जो कानून व्यवस्था है उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। अब मैं बात करूंगी उस विषय की जो अभी 2 दिन पहले घटित हुआ है। प्रदेश की महिलाओं को, प्रदेश के लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, जिसे हम देवभूमि मानते हैं,
क्या वो वाकई में देवभूमि बनकर रह गई है? क्या वहां पर वाकई में महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या हम महिलाएं 7 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलने में सुरक्षित महसूस कर रही हैं? और यहां पर तो ये आलम हो गया है कि दिन दिहाड़े महिलाओं पर इतने गलत व्यवहार हो रहा है और महिलाओं पर आपराधिक मामले हो रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक कॉलेज की छात्रा को पर किस तरह से पालमपुर के बस स्टैंड पर तेज हथियार से 10 से 12 बार उस पर आक्रमण किया जाता है। उस बहन की उंगलियां काट दी जाती हैं, उसके सर पे चोट आती है, उसकी गर्दन पर चोट आती है, उसकी बाजू पर चोट आती है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि क्या बस स्टैंड में एक भी पुलिस वाला उस समय मौजूद नहीं था? ये किस तरह की व्यवस्था आज प्रदेश सरकार आम जनता को दे रही है? मैं धन्यवाद करना चाहूंगी मोंटी राणा जी का, जिन्होंने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए पुलिस प्रशासन पुलिस को कॉल किया और पुलिस को सूचित किया इस जघन्य अपराध के बारे में। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी प्रियंका जी का, जिन्होंने मदद की और उस महिला को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य किया। और इसी के साथ साथ हमारी जो मंडी लोकसभा क्षेत्र से जो हमारी एमपी हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो हमारी दावे हमारी प्रत्याशी हैं कंगना जी, उन्होंने उस युवती का हालचाल जाना और उस युवती को जो भी उनका अस्पताल में खर्चा आएगा उस खर्चे को वहन करने का उनका उनको जो है उन्होंने कहा है उनकी वो पूरी तरह से उसमें मदद करेंगी। मैं आज आप सबके माध्यम से उनका धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करती हूं कि ये जो सुख की सरकार है, जो हमें आज प्रदेश भर में जघन्य अपराध इस सरकार के चलते देखने पड़ रहे हैं और हम जिन अपराधों से गुजर रहे हैं और जो ये पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, तो मित्रों हम सबको एक दूसरे की ही इसमें मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पुलिस प्रशासन सोया है, ये सरकार सोई है, ये हमारी नहीं सुनेगी, ये आम जनता की नहीं सुनेगी। इसमें हम सबको मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है। जैसे पालमपुर में ये जो है उदाहरण हमारे पास आया, जिसमें मोंटी राणा जी ने पुलिस को फोन किया, प्रियंका जी ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की, क्योंकि प्रशासन तो सोया हुआ है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि ये जो सरकार है ये अराजकता की सरकार है। इस सरकार में जितने भी अराजकता फैलाने वाले शरारती तत्व हैं, ये जो लोग हैं ये खुलेआम घूम रहे हैं और उनके जो हौसले हैं वो बिल्कुल बुलंद हैं। ये सरकार मित्रों की सरकार है, ये सरकार मात्र उन्हीं को ही फायदा दिलाने में लगी है और ये सरकार सत्ता सुख भोगने आई है। ये सरकार केवल अपना समय निकाल रही है और इनका जो पूरा का वो है वो सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाना और अपने लिए किस तरह से अच्छा खुद के लिए किस तरह से लग्जरी ढूंढी जाए, ये उसी उसमें जुटी हैं। प्रदेश में जनता है वो त्रस्त है, ये हम सभी जानते हैं, वो किसी भी मामले में आप देख लीजिए। तो मेरा जनता से यही आग्रह रहेगा कि आप सब एक दूसरे के लिए स्वयं खड़े हुए, स्वयं लड़िए और एक दूसरे की स्वयं सहायता कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।